आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का एक वीडियो है जिसमें वो विवेक बिंद्रा जी के साथ है और विवेक बिंद्रा उनको पूछ रहे हैं कि मास्टर बेट करना, हस्त मैथुन करना सही है या गलत है। तो इसका उत्तर देते होते गुरु रविशंकर जी बोलते हैं कि जब आप टीनेज में हो, उस अवस्था में हो, तब अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटी में या काम में लगा देते हो तो आपका मन सेक्स की ओर, पोर्नोग्राफी की ओर नहीं जाता है और आप मास्टरबेशन से बच जाते हो। तो इसके ऊपर चर्चा करनी है, परंतु उससे पहले आप सभी से दरखास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और जो काम हम कर रहे हैं सूडो साइंस को डिबंक करने का, उसके लिए भी आपका सहयोग आवश्यक है। तो श्री श्री रविशंकर जी से और विवेक बिंद्रा जी से मैं यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ कि मास्टरबेशन को आप मतलब अपने आप को कामों में लगा दोगे तो वो हस्तमैथुन की पावना खलास हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। जो नैसर्गिक प्रक्रिया है उसमें आहार, निंद्रा, भय के बाद मैथुन आता है, आपके हॉर्मोन्स बदलते हैं और प्रकृति चाहती है, प्रकृति अपना विस्तार करना चाहती है। आप टीनेज में हो, आपके हॉर्मोन्स बदलेंगे तभी तो आप सेक्स करोगे और प्रकृति का खेल चलेगा, क्योंकि उसको तो यहाँ पे सारे जितने भी जीव है, जितने भी स्पीशीज है, उसको चलाना है। तो काम वासना को तो पवित्र माना गया है हिंदुइज्म में, सनातन में काम वासना को ईश्वर का ही रूप माना गया है, क्योंकि उससे ही प्रकृति का खेल चलता है। तो तरुणावस्था में, टीनेज में जब इंसान होता है तब हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं और वो मास्टर बीट करता है, लोग स्वीकार नहीं करते हैं और काफ़ी सारे लोग इसको, भारत में खास करके आप सेक्स को लेकर के एक जो धारणाएँ बनी हुई है कि गलत चीज़ है, टैबू है, तो बचपन से ही हम इस प्रकार की भावनाओं में चले जाते हैं, आत्मग्लानी का अनुभव करते हैं, इसलिए बोलते नहीं हैं। परंतु मास्टरबेट करता है इंसान 13-14 या जब भी उसका हार्मोनल एक्टिविटी बॉडी में शुरू होता है। वो सही है या गलत है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कुदरती प्रक्रिया है। गृहस्थ आश्रम में वो स्त्री का उपभोग करता है, अगर संन्यास की परंपरा में है तो वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि शारीरिक गुण धर्म से दूर रहूँगा। बॉडी में तो रहता है सेक्स, वो डिसाइड करता है कि मैं नहीं जाऊँगा, बॉडी के तौर पे कभी ख़त्म नहीं होता है। तो मास्टरबेशन सही या गलत है ऐसा है ही नहीं, मास्टरबेशन एक कुदरती प्रक्रिया है। जैसे आप भोजन लेते हो, नींद लेते हो, आहार निंद्रा भय है, उसी प्रकार मैथुन है। तरुणावस्था में वो हस्तमैथुन से शुरू होता है, गृहस्थ आश्रम में स्त्री के साथ मनुष्य उसका उपभोग करके शारीरिक गुण धर्म उसके साथ स्थापित करते सेक्स करता है और ये चलता है। आपकी बॉडी जब तक है उसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं उम्र के हिसाब से, परंतु पूर्ण रूप से सेक्स कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, आप एकदम एज में चले जाओ, शरीर पूरा जीर्ण हो चुका है, तब शायद ये भावना चली जाती है, परंतु तब तक तो ये रहती है। तो सही है या गलत है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन विचारों से ही डिसएग्री करता हूँ।